इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना का काटा 2 लाख के पार है, जबकि करीब 1200 लोगों की सांसों को कातिल कोरोना ने छीन लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी है, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कोरोना बेहिसाब मौत बांट रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकारें लगातार मंथन कर रही हैं। कोरोना कंट्रोल के फॉर्मूले को लेकर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। साथ ही कहा कि कोरोना की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिंदुस्तान उससे जीत कर दिखाएगा। सबसे पहले आपको कोरोना का ऑल इंडिया मीटर दिखाते हैं, जो बेहद विस्फोटक है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार है काटा। 2,17,000 के करीब केसेस निकले हैं और 1,182 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर मिनट 150 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जबकि हर घंटे 49 लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदुस्तान में दूसरी लहर कैसे कहर बनकर टूटी है, यह भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इंडिया की कोरोना स्पीड पर भी आप अगर गौर करेंगे तो वहां 1 से 2 लाख केसेस तक पहुंचने में 21 दिन का वक्त लगता है, जबकि भारत में दूसरी लहर का प्रकोप इतना खतरनाक है कि 1 से 2 लाख केस केवल 10 दिन के अंदर बढ़ गए। हिंदुस्तान में किस तरीके से कोरोना की इमरजेंसी है, आप हिंदुस्तान का ये मैप देख रहे हैं। इस नक्शे में उन राज्यों की स्थिति जहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोरोना के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ICMR के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगा खेड़कर जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर मोहन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर गंगा खेड़कर जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ, और जितनी खतरनाक पहली वेव थी उससे कई ज़्यादा खतरनाक ये दूसरी वेव है। लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स हैं, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के प्रयास हैं, वैक्सीन भी आ चुकी है, इसके बावजूद केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आपको वजह क्या समझ में आती है? नहीं, वजह एक हमको याद रखना पड़ेगा कि ये सेकंड वेव है। सेकेंड वेव में जो हम पुराने टाइम पे बोलते थे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या, ये तो चारों तरफ फैला हुआ ट्रांसमिशन है। अब इस ट्रांसमिशन में आपको जो असर दिखेगा वो एक ही असर है कि बहुत तेजी से ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। हर जगह पे उसके सीड्स पहुंच चुके हैं और लोगों को ये जो लग रहा था कि हम फर्स्ट वेव में जीत चुके हैं, अपने देश ने उसको झुका के दिखाया, ये तो बात गलत है। जब तक ये इन्फेक्शन पूरा, ये विषाणु सारे दुनिया में कहीं से गया नहीं है, तब तक हमको वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहना, ये याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कोई इन्फेक्शन को हम एलिमिनेट करने का सोचते हैं, एकदम उसको खत्म करने का जब सोचते हैं, जब वो कम होता है तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो कम करना नहीं होता है, वो बढ़ाना होता है। हमने इस चीज के ऊपर खुश नहीं रहना है कि मैं यशस्वी हो गया, मैं जीत गया। आप जीत गए हैं ये तो आपकी आपकी कल्पना है। आपके सामने और जगह, दूसरी जगह पे अमेरिका में था, यूरोप में था, चारों तरफ है, फिर भी आप अगर संभले नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब ये इसका रिफ्लेक्शन ये कम्युनिटी में भी दिखाई दिया। कम्युनिटी ने भी सोच लिया, बहुत दिन हो गए मैं ऐसे बैठा हूँ, घर में ही बैठता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही तेजी से वो उसने मार लगाई है। लेकिन मेरा अभी भी एक मानना है कि हम जहां जहां भी हमको चाहिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। 45 साल की उम्र के आगे जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लेने की कोशिश करना है, ये दोनों चीजें किए तो अभी ये जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से वो बढ़ेगा नहीं और शायद जल्दी डिक्लाइन होने के मोड में आ सकेगा। डॉक्टर जोशी, ये जो वायरस है, जो पिछला वायरस था जो सिर्फ कोरोना वायरस था वो बड़ों को, बुजुर्गों को हैम्पर कर रहा था, युवाओं में इतना असर नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये डबल म्यूटेंट वायरस बड़ों को, युवाओं को, साथ ही साथ बच्चों को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह तो गंगा खेड़कर साहब बता सकेंगे क्योंकि वो वायरोलॉजिस्ट थे और आईसीएमआर के चीफ थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप बता रही है ये सच है, और जब ये सेकंड सुनामी या सेकंड लाट आ गई थी तभी ऐसा लग रहा था कि इसकी स्प्रेडिंग पोटेंशियल जो है वायरस की वो काफी ज्यादा है और हर एक आदमी इन द फैमिली इज बिकमिंग पॉजिटिव, और तभी ऐसा लगा था शुरुआत को कि इसकी वायरस की लीडेलिटी ज्यादा नहीं है, डेथ रेट ज्यादा नहीं होंगे, इंटेंसिव केयर ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे भी ये सेकंड वेव बढ़ने लगी तो अभी ऐसा लगने लगा है कि एक तो स्प्रेडिंग पोटेंशियल काफी है, मीन्स एक आदमी फैमिली में पॉजिटिव हो गया तो पूरी फैमिली 24-48 आवर्स में पॉजिटिव हो जाती है, ये एक बात है। बिल्डिंग की बिल्डिंग पॉजिटिव हो रही है बंबई में, ये दूसरी बात है। तीसरी बात एक है कि अभी इंटेंसिव केयर नीड जो है वो काफी बढ़ रही है और मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है, वेंटिलेटर की नीड भी बढ़ रही है। तो ये सब सिचुएशन है और ये जैसी भी सेकंड वेव बढ़ती जा रही है वो हमें परसेप्शन आ रहा है, स्प्रेडिंग पोटेंशियल ज्यादा है, लीडेलिटी भी ज्यादा है और यंगर जनरेशन इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड एंड अफेक्टेड मोर फ्रीक्वेंटली नाउ, बिकॉज इसका कारण ये है कि यंगर जनरेशन एक्टिव है कम्युनिटी में, वही लोग जाते हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बूढ़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो सही ढंग से घर में बैठे रहते हैं, और अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न पालने का जो मेंटेलिटी है वो यंगर जनरेशन में ज्यादा है। काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, संसार के लिए ये बाहर जा रहे हैं और उसकी वजह से शायद बच्चे भी हम देख रहे हैं कि कॉमन एरियाज में ज्यादा निकल रहे हैं। स्कूल खोले गए थे, हालांकि स्कूल सब बंद भी कर दिए गए हैं, एग्जामिनेशन या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या फिर निरस्त कर दिए गए हैं। डॉक्टर गंगा खेड़कर जी, वही सवाल जो मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा था, आप ज्यादा इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि ये डबल म्यूटेंट जो है वो इतना खतरनाक क्यों है, और ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो केवल बाहर से आया हुआ म्यूटेशन है या फिर अब भारत में भी अलग तरीके से म्यूटेट कर रहा है ये वायरस? मैं दो ढंग से बोलूंगा जी। सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है कि हम तो ब्लेम कर रहे हैं वेरिएंट पे, पहले अपने आप को अंदर झांक के देखो, मैंने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, घर में रहो या बाहर रहो, तो उसका प्रसार ज्यादा होना ये कोई अचरज नहीं है। बिल्कुल, समझो कोई वेरिएंट आ गया, इसका मायना ऐसे नहीं होता है कि ये सारी चीजें उसके ऊपर थोप डालेंगे। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, जब हम वेरिएंट का जब बात करते हैं कि वेरिएंट के वजह से तेजी से फैल रहा है, लोग क्या समझते हैं, अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करो या ना करो, अभी तो वो वेरिएंट आ गया है, वो तो अंदर जाने ही वाला है, तो मैं क्यों करूं। ये जो सोच होती है ये हमको तोड़ना पड़ेगा। जो अपने हाथ में है वो पहले करिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं सर जी, इसके अलावा एक और बात आप बताना चाह रहे थे कि बल्कि दर्शक भी ये समझना चाह रहे होंगे कि हम ये कहते कि ब्रिटेन का एक ये नया म्यूटेंट वायरस है, फिर किसी ने कहा अफ्रीका से एक चेन भारत आई है, ऐसे अलग अलग तरीके की चर्चाएं भी हुई और रिसर्च भी हुए। भारत में जो सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं सर, अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई, आप हमारी जानकारी बढ़ाएं, ये ज्यादातर वायरस कौन सा है जो बाहर से आया या फिर अब भारत में ही म्यूटेट हो रहा है? नहीं देखिए, हमारे यहाँ पहला वायरस तो वुहान से आया था जी। वुहान से आने के बाद में पहला म्यूटेशन जो दिखा वो D614G करके एक म्यूटेशन दिखा था, वो भी उतना ही तेजी से फैलता है, ये हमको पता था। अब क्या होता है, हमको वायरस के बारे में एक समझना पड़ेगा कि ये वायरस में जब एक से दो वायरसेस वो बनाता है, वो जब सेकंड जनरेशन उसकी पैदा करेगा, उस टाइम पे उसकी मशीनरी इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो एग्जैक्ट जैसा पहला वायरस था वैसे ही पैदा करेगा, उसमें कुछ गलती हो गई तो वो म्यूटेशन करके दिखेगी। तो इसका दूसरा मायना क्या है, वायरस जितनी बार म्यूटेट करेगा नए नए म्यूटेशन एक्यूमुलेट करते जाएगा। सारे म्यूटेशन खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे म्यूटेशन हुए तो वो खतरनाक हो सकते हैं, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि आप कह रहे हैं वो ब्रिटेन में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, ब्राजील में हुआ,
आप अगर सही मानों में उसको देखें तो वो जितनी जगह पे हुआ है वो जगह कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि वायरस जितना ज्यादा बार म्यूटेट करेगा उसकी म्यूटेशन होने की जगह भी फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ कई छोटी जगह हैं अलग अलग जहां अलग से वो जमा होने का डर होता है। अब उसमें तीन जो आपको दिखे हैं उनमें कॉमनैलिटी भी बहुत ज्यादा है। एक सरी के वो म्यूटेशंस जो इंग्लैंड में दिखा या साउथ अफ्रीका में दिखा या ब्राजील में दिखा, उनमें कई सिमिलैरिटीज है, लेकिन जितनी ज्यादा बार वो पैदा करेगा, जितनी ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करेगा या ज्यादा लोगों के शरीर में जाएगा, नए नए म्यूटेशंस आएंगे। तो आपका जो सवाल था कि क्या ये तीन म्यूटेशन अपने देश में आए होंगे, आते हैं, आप नए म्यूटेशंस बनाएंगे क्या? अब जिस ढंग से ये दूसरी वेव बढ़ रही है, नए म्यूटेशंस होना ये तो बायोलॉजी का नियम हो जाएगा, आपको नए म्यूटेंट अपने देश में दिखेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। मुझे एक चीज समझती है कि ये नया म्यूटेंट कितना भी खतरनाक आया, वाइल्ड टाइप जो वुहान से आया था और जो विषाणु नया तैयार होगा उसको रोकने में हमारा जो मास्क होता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, वो उतना ही कामयाब रहेगा। आप उसका पालन करिए। बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वायरस है, बहुत आसान भाषा में दर्शकों को भी समझ लेना चाहिए कि वायरस है, म्यूटेट करेगा ही करेगा, ये इतनी जल्दी हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो हमें सरकार बताती है, प्रशासन समझाती है और मीडिया के जरिए हम बार बार एक बार फिर से जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें इस कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन जोशी जी, डॉक्टर आर गंगा खेडकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक सार्थक चर्चा करने के लिए। कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे आज एक और बैठक बुलाई है, इस पर आपको अपडेट देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।